तो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों के अनकैप्ड प्लेयर रिटेंशन फाइनल हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द आईपीएल 2025 रूल्स, आईपीएल के सभी 10 टीमों के 6-6 रिटेंशन में से मिनिमम एक अनकैप्ड प्लेयर और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो सकते हैं। अब अनकैप्ड प्लेयर वो खिलाड़ी जो अब तक अपने देश के लिए कैप ना पहनी हो, वो खिलाड़ी जो अब तक इंटरनेशनल में कोई भी मुकाबला कोई भी मैच ना खेला हो। अब अनकैप्ड प्लेयर की रिटेन प्राइस 4 करोड़ होने वाली है। तो 4 करोड़ में अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन होंगे मेगा ऑक्शन से पहले। तो चलिए बात करते हैं सभी 10 टीमों की अनकैप्ड प्लेयर रिटेंशंस। तो बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली की टीम अभिषेक पोरेल को अपने टीम में रिटेन करेगी एज अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में। ये 100% कंफर्म और फाइनल हो चुका है। अब अभिषेक पोरेल एक शानदार युवा विकेट कीपर बैट्समैन है। लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार और जबरदस्त रहा था। अब बात करें दूसरी टीम की, तो वह राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के पास बतौर अनकैप्ड प्लेयर ऑप्शंस कई हैं। पहला ऑप्शन शुभम दुबे का है जो एक शानदार हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। ये चेन्नई वाले शिवम दुबे नहीं बल्कि ये शुभम दुबे हैं। दूसरा ऑप्शन है तनुष कोटियान का जिनका डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। इसके अलावा ऑप्शन आबिद मुश्ताक का भी है लेकिन ये टीम इन सभी को छोड़कर जाएगी संदीप शर्मा के पास क्योंकि संदीप शर्मा भी अब अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं। रूल ये है कि जिस प्लेयर को इंडियन टीम में खेले हुए 5 साल या फिर उससे ज्यादा हो गए तो वो खिलाड़ी कैप से अनकैप्ड बन जाएगा। और ऐसे में संदीप शर्मा ने आखिरी बार टीम इंडिया के लिए साल 2015 में खेला था। तो फिर संदीप शर्मा बेहतरीन गेंदबाज, इनके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। ये अब अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम कंफर्म इन्हें रिटेन करने जा रही है एज अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में। 4 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स की टीम को काफी शानदार गेंदबाज मिल रहा है। इनका भी नाम कंफर्म है। अब तीसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद है। हैदराबाद की टीम 100% कंफर्म था कि नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन करती है एज अनकैप्ड प्लेयर। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हो चुका है टीम इंडिया के लिए, वो खेल चुके हैं तो वो अब अनकैप्ड से कैप्ड बन चुके हैं। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इन्हें चाहकर भी रिटेन नहीं कर पाएगी एज अनकैप्ड प्लेयर। अब ऐसे में इस टीम के पास ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। एकमात्र ऑप्शन बचता है अब्दुल समद का। अब्दुल समद को इस टीम ने लास्ट बार रिटेन किया था 4 करोड़ में उमरान मलिक के साथ। उमरान मलिक ये कैप्ड प्लेयर बन चुके हैं, ऑलरेडी टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। अब्दुल समद कब तक डेब्यू नहीं हुआ तो ये फिलहाल अनकैप्ड प्लेयर ही है। लेकिन अब्दुल समद के लिए दिक्कत यही कि इन्हें काफी मौके दिए गए, इनका परफॉर्मेंस भी उस लेवल का नहीं रहा कि ये टीम इन्हें रिटेन कर ले आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम किसी भी अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन नहीं करेगी, ये तय हो चुका है। चौथी टीम पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स की टीम शशांक सिंह को रिटेन करने जा रही है एज अनकैप्ड प्लेयर, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन इस टीम के पास दूसरा ऑप्शन आशुतोष शर्मा का भी है। ये टीम चाहे तो शशांक सिंह के साथ आशुतोष शर्मा को भी रिटेन कर सकती है एज अनकैप्ड प्लेयर और लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा था। मेरे हिसाब से तो पंजाब किंग्स की टीम को बड़े खिलाड़ियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, इस टीम को उन खिलाड़ियों के पीछे भागना चाहिए जो काफी युवा हैं और टीम के लिए आगे जाकर अच्छा कर सकते हैं। पंजाब किंग्स की टीम को 4+4 8 करोड़ में 2 बेस्ट खिलाड़ी मिल रहे हैं तो फिर और क्या ही चाहिए। अब पांचवी टीम लखनऊ सुपर जेंट्स है। लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मोहसिन खान को रिटर्न करने जा रही है एज अनकैप्ड प्लेयर जो काफी शानदार गेंदबाजी कराते हैं। दूसरा ऑप्शन इस टीम के पास है आयुष बदौनी का लेकिन इनको लेकर अभी तक 100% श्योरिटी नहीं हो पाई है। अब यह टीम सबसे पहले अनकैप्ड प्लेयर में मयंक यादव को रिटर्न करती लेकिन अब चूंकि मयंक यादव का डेब्यू हो चुका है टीम इंडिया के लिए तो वो अब कैप्ड प्लेयर बन चुके हैं, अनकैप्ड प्लेयर नहीं रहे तो ऐसे में आप उन्हें एज अनकैप्ड प्लेयर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ टीम गुजरात टाइटंस है। गुजरात टाइटंस की टीम डेफिनेटली राहुल तेवतिया को एज अनकैप्ड प्लेयर रिटर्न करने जा रही है 4 करोड़ रुपए में। अब 4 करोड़ राहुल तेवतिया के लिए मेरे हिसाब से तो काफी कम है तो गुजरात को इन्हें मनाना होगा अनऑफिशियली कुछ पैसे इधर उधर से भी देकर। तो वहीं सातवीं टीम है चेन्नई सुपर किंग्स से। थाला फॉर ए रीजन, आईपीएल 2025 का जो 7वां रूल है वो महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही बनाया गया है स्पेशली, वो हम सभी को पता है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम महेंद्र सिंह धोनी को एज अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में रिटेन करने जा रही है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये अब कैप्ड से अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं। हालांकि यह टीम समीर रिजवी की तरफ जाती है अगर महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 नहीं खेलते तो। सीएसके से महेंद्र सिंह धोनी रिटेन होंगे एज अनकैप्ड प्लेयर। हालांकि एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की एक मीटिंग भी होने वाली है मिड अक्टूबर जिसमें धोनी बताएंगे अपने फ्यूचर को लेकर। तो वहीं आठवीं टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस के पास 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है एज अनकैप्ड प्लेयर, एक निहाल वधीरा का, दूसरा नमन धीर का, तीसरा है आकाश माधवाल का। तीनों ही काफी यंग खिलाड़ी हैं। अब रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, निहाल वधीरा को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि नमन धीर को भी पसंद करते हैं। तो वही हार्दिक पांड्या निहाल वधीरा को नहीं बल्कि नमन धीर को थोड़ा ज्यादा लाइक करते हैं। अब मुंबई इंडियंस का अनकैप्ड रिटेंशन अभी तक 100% कंफर्म नहीं हो पाया लेकिन इन दो में से कोई एक ही रिटेन होगा मुंबई इंडियंस की टीम में एज अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ रुपए में। तो वही नाइन्थ टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब केकेआर की टीम थोड़ी खुश भी होगी क्योंकि हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ था बांग्लादेश सीरीज में लेकिन हर्षित राणा को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मेन टीम स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया। तो प्लेयर रिटेंशन क्लोज होने से पहले इसकी हाईली
चांसेस है कि हर्षित राणा का डेब्यू नहीं होगा, ऐसे में हर्षित राणा अनकैप्ड प्लेयर बने रहेंगे और केकेआर की टीम 100% कंफर्म है कि हर्षित राणा को टीम में रिटेन करेगी एज अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ की प्राइस में। लेकिन अगर हर्षित राणा का डेब्यू हो भी जाता तब भी इस टीम के पास कई ऑप्शन थे, जिसमें नाम विभव अरोरा का था, अंकरिश रघुवंशी का, जबकि रमनदीप सिंह का। तो वही 10वीं टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब आरसीबी की टीम यास दयाल बेहतरीन गेंदबाज को अपनी टीम में रिटेन करने जा रही है एज अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ रुपए में। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार जरूर दीजिए। और अगर आप डेली आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। यहाँ पर हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है।